तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो ड्रीम इलेवन नेचर इसलिए T10 लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का चौथा मैच जो कि खेला जाएगा चैंपियन रीफ डाइवर्स वर्सेज इंडियन रिवर्स रोवर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना। और अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो कल जो मैंने आपको दो मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाए थे वैसे भाई आज के मैच भी आपके लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप जाने वाले हैं, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग की। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे डेट की, तो डेट भाई आज की रहने वाले, टाइमिंग की बात करें तो अब से लगभग 2 घंटे 30 मिनट बाद मैच खेला जाएगा जो कि खेला जाएगा भाई विंडसर पार्क में वेस्ट इंडीज में। अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो वो आपके सामने, जो इस सीजन में अभी कल जो दो मैच खेले गए थे ना दोनों मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए थे। वही अगर बात करें वेदर की तो क्लाउडी रहेगा, बारिश के चांसेस हल्के फुल्के लग रहे हैं आज के मैच में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले भाई बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच के बारे में भाई बात करने से पहले आपको मैं यहां पर वेन्यू रिकॉर्ड्स पर वापस लेकर जाना चाहूंगा। कल भाई जो मैच हुए थे उससे पहले मैंने क्लियरली बोला था कि यह बॉलिंग ट्रैक है, ठीक है, और यहां पर बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। और यहां पर क्लियरली आपको देखने को मिला था कि भाई अच्छी खासी विकेट्स भी गिरी थी, लो स्कोरिंग मतलब T10 में जितने वेस्ट इंडीज लीग्स में हाई स्कोरिंग मैच होते हैं उस हिसाब से भाई काफी ज्यादा लो स्कोरिंग मैच थे, ठीक है, मतलब एक में 80 का स्कोर बना था, एक में 90 का स्कोर बना था। वहीं अगर बात करें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने क्लियरली बोला था पेसर्स को एक्स्ट्रा हेल्प मिली थी और एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी और मिली भी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई बैट्समैन सेट हो जाता है तो भाई शॉर्ट बाउंड्रीज का फायदा वो उठा सकता है, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम जो भी आपको टीम प्रोवाइड करवाएंगे ना इस वीडियो में वो एक डेमो टीम मात्र होगी, फाइनल टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। भाई वेट किसका कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी किसी भी टीम में कोई भी अगर चेंजमेंट होगा तो उस प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह सारी चीजें मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेकर मतलब लाकर देने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPMF11। मैं एक बार आपको सर्च करके यहां से दिखा देता हूं। सर्च करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पर सर्च के आइकन पर क्लिक करना है, @KPMF11 सर्च करना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहां से एक बार बता देता हूं। देखिए भाई यहां से आप अगर सर्च करोगे @KPMF11 तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। देखिए सारे स्मॉल लेटर्स में आपको लिखने और यहां पर टॉप पर आपको चैनल दिख गया होगा। अभी करंटली बात करो तो 5.9K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए बात करते भाई यहां पर CRD की, प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की। लास्ट मैच ही अपना जीत के आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें यहां पर जेरवन राफेल की तो आप देख सकते हो 20 रन इन्होंने बनाए। मिका जोसेफ की बात करें तो स्टैट्स की बात करें तो 5 मैच में 42 रन 6 विकेट इनके T20 में स्टैट्स है। यहां पर अगर बात करें तो एक ओवर की गेंदबाजी की और भाई 23 रन भी बनाए। इसके अलावा इस्माइल एंडर की बात करें तो भाई एक ओवर में 2 विकेट निकाले प्लस 12 रन बनाए, 1 डाउन बैटिंग करने आया था। वही अगर बात करें जैसन अलेक्जेंडर की, ये आपको दिखेंगे 2 डाउन बैटिंग करते हुए, 5 मैच में 23 रन बनाए प्लस 2 विकेट निकाले, ये इनके वनडे के रिकॉर्ड्स थे। लास्ट मैच जो अभी इन्होंने खेला है T10 का उसमें भाई 17 रन बनाए प्लस भाई एक ओवर गेंदबाजी करते हुए विकेटलेस रहे थे। जेड जोसेफ की बात करेंगे तो भाई 7 मैच में 4 विकेट T20 में यहाँ पर 5 नंबर पर बैटिंग कर रहे, 12 रन बनाए प्लस एक ओवर गेंदबाजी में विकेटलेस रहे। एलविसन जोली की बात करें तो इनके पुराने रिकॉर्ड समय मिले नहीं थे, 0 रन पर आउट हो गए और भाई पहले मतलब एक ओवर डाला और विकेट लेस गए थे। निकोलस ब्रूनो ने 1 रन बनाया और एक ओवर की गेंदबाजी में यहाँ से विकेट लेस गए थे। मेलविन डेफोए की बात करें तो भाई इन्होंने 2 मैच खेले और 38 रन बनाए। इनका भाई ज़्यादा टीम ने यूज किया नहीं, सिर्फ एज ए फील्डर आप मान सकते हो टीम में खेले थे क्योंकि ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई। कार्मेल हैमिल्टन की बात करें तो आप देख सकते हो 2 ओवर डाले 2 विकेट निकाले, ओवरऑल स्टैट्स 3 मैच में 4 विकेट है, गजब का प्लेयर है, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बात करें जोशुआ सिल्वेस्टर की तो 11 मैच में 173 रन प्लस 1 विकेट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, 100% ट्राई कर सकते हो, हालांकि टीम ने इसका ज्यादा यूज किया नहीं। ली लॉजली की बात करें जो हमारे VC थे, लास्ट मैच में एक तरफा विनिंग हमारी करवाई, 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले। बेंच की बात करें तो भाई आपको यहाँ पर एंड्रन मैथ्यू और डोनाल्ड क्लार्क बेंच पर भी बैठे दिखेंगे। डोनाल्ड क्लार्क की बात करें तो भाई 5 मैच में 91 रन प्लस 1 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। अब बात करेंगे भाई यहाँ पर इंडियन रिवर्स की टीम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिक जोन्स के, भाई यहाँ पर देखिए इनके मोस्टली टीम के स्टैट्स हमें नहीं मिले थे लेकिन लास्ट मैच में ओपनिंग करने आए थे, 34 रन बनाए। विंसेंट लेविस की बात करें तो ओपनिंग करने आए, 11 रन बनाए प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी में विकेट लेस गए थे। वही अगर बात करें डियोन बर्टन की तो ये भी इनके भी स्टैट्स हमें नहीं मिले लेकिन लास्ट मैच में 1 डाउन बैटिंग प्लस भाई 32 रन बनाए। शेरलोन जॉर्ज की बात करें तो 2 डाउन बैटिंग की थी, यानी कि 4 नंबर पर बैटिंग करने आए थे और यहाँ पर भाई इन्होंने
सात रन बनाए। इसके अलावा गैरविन मैकलिन की बात करें तो 0 रन पर आउट हो गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज रही, पहले एक ओवर डाला और विकेट लेस यहाँ से गए थे। लेक्स मैंगोलिनी की बात करें तो 0 रन पर जरूर आउट हो गए, लेकिन 2 ओवर में भाई 2 विकेट हमें निकाल कर देखे गए थे। ट्रायस लेबांग की बात करें तो 6 मैच में 3 विकेट के ओवरऑल स्टेट्स है, 1 विकेट इन्होंने लास्ट मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी में निकाला है। शेरवन लेबसरी की बात करें तो भाई इनका ज्यादा यूज टीम ने किया नहीं, ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, एज ए फील्डर टीम में खेले थे। सेवे एंसलम की बात करें तो 1 ओवर डाला, विकेट लेस गए। जोल डोरांट की बात करें तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वही अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो 1 ओवर गेंदबाजी की विकेट लेस गए। सी मार्सेलिनी की बात करें तो आप देख सकते हो 2 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले, मस्ट हैव पिक रहेगा। इवन सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो जीएल मिनी जीएल में। वहीं अगर बात करें बेंच प्लेयर्स की तो आप देख सकते हो जमार्ली बेंजामिन आपको बेंच पर दिखेंगे। अब यहाँ से आपके लिए जो मस्ट पिक प्लेयर मैं बताऊँ दोनों टीम से, तो आप ट्राई कर सकते हो जे राफेल को, आप ट्राई कर सकते हो मिकाए जोसेफ को, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भाई एस्माइल लैंडर हमारे लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा। जेसन अलेक्जेंडर को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये 4 प्लेयर तो भाई आपको ट्राई करने ही करने हैं। अब आपको जो प्लेयर ट्राई करने हैं वो मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखिए ली लाउसली और खार्मेन हैमिल्टन, इन दोनों में से किसी को या दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं भाई यहां पर नीचे की साइड इंडियन रिवर्स की टीम, यहां से भाई रिक जेम्स, विंसेंट लेविस, डरन बर्टन तीनों हमारे लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा नीचे आके आप लेक्स मंगोरी को ट्राई कर सकते हो, यहां पर ये 4 प्लेयर हो गए। इसके अलावा भाई अगर आप ट्राई करना चाहो तो भाई नीचे आके सी मार्सेलिन को ट्राई कर सकते हो या फिर ट्रायस लेबांस को ट्राई कर सकते हो। अब चलिए भाई मैं आपको डेमो टीम यहां से बना के दिखा देता हूं। अगेन मैं आपको बता दूं भाई, अभी मैं आपको जो भी टीम प्रोवाइड करवाऊंगा वो सिर्फ एक डेमो टीम मात्र होगी, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस, आफ्टर लाइनअप्स, आफ्टर बैटिंग ऑर्डर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहां पर अगर बात करें तो आप ट्राई कर सकते हो यहां पर सैरलन जॉर्ज को, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। यहां से अगर बात करें तो भाई डी बटन हमारी टीम में 100% रहेंगे। जे सिल्वेस्टर को आप ट्राई कर सकते हो, मैं ड्रॉप करके चलूंगा। रिक जेम्स हमारी टीम में रहेंगे, जे अलेक्जेंडर हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा जे राफेल मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें जेड जोसेफ को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। यहां से एन ब्रूनो को आप ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चलूंगा। जी मार्सेलिन भी हमारी टीम में नहीं रहेंगे। इसके अलावा यहां से अगर बात करें तो विंसेंट लेविस को मैं जरूर अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा मिकाए जोसेफ को मैं अपनी टीम में रखूंगा। बॉलिंग सेक्शन चलेंगे हैमिल्टन, एन मंगोरी, एल लाउसली, ई लैंडर तीनों और सी मार्सेलिन। ये भाई सवारे के सारे पांचों के पांचों मेन गेंदबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीवीसी की बात करें तो भाई कैप्टन आप मिकाए जोसेफ को दे सकते हो। वीसी की बात करें तो भाई एल लाउसली को मैं अभी के लिए एज ए वीसी लेके जा रहा हूं। आप अगर चाहो तो भाई लैंडर को अपनी टीम में एज ए वीसी लेके जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं एम लाउसले को लेके जा रहा हूं। या फिर आप यहां से आर जेम्स को लेके जा सकते हो, बट आर जेम्स के साथ रिस्क यही रहेगा कि ओनली बैटिंग करेगा, बट अभी के लिए भाई यहां से मैं एल लाउसले को अपनी टीम में एज ए वीसी लेके जा रहा हूं। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। @KPMF11 आपको सर्च करना है, @KPMF11 आपको सर्च करना है, आपको यहां से हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आ जाइए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, अभी के लिए आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।